माधव लाल कश्यप प्रांत अध्यक्ष हिंदू स्वाभिमान बिहार शाखा पटना। सबसे पहले अमृत जी न्यूज की ओर से आपको हार्दिक बधाइयाँ कि आपने ये कार्यक्रम किया, और हिंदू स्वाभिमान बिहार की ओर से जो आज बैठक हुई उसके लिए भी बधाई आपको। और मुझे इंतजार था कि राजधानी पटना में कब ये प्रोग्राम होगा और आज मौका मिल गया। सर अपना परिचय देंगे। माधव लाल कश्यप, प्रमुख हिंदू स्वाभिमान। एक सवाल, आज हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन यहाँ तिलक लगा कर भी पत्रकार हूँ मैं, तिलक लगा के कहीं जाना भी लगता है कि ये लगता है कि पाकिस्तान में रह रहा हूँ ऐसा लगता है। और रही बात की देश में ये जो लव जिहाद सुनामी की तरह बढ़ता जा रहा है, हिंदू जो है मारे जा रहे हैं और समाज खामोश है, इसका क्या जवाब है बताइए? हिंदू कैसे सुरक्षित रहेगा क्योंकि हिंदू समाज में हिंदू ही खामोश है, क्राइम होती है खामोश, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आसमान में सूरज एक ही होता है, वो चमकता है। अगर आप भीड़ में अकेले तिलक लगा करके जाते हैं, आप चमकते हैं, आपका फाल दिनकर सा चमकता है, फाल आपका दिनकर सा चमकता है, तो ये अपने तेज का परिचय देते हैं तिलक के माध्यम से। और लव जिहाद की जो बात है उसके लिए अपने घर में संस्कार को भी जागृत करना होगा, अपनी बहन बेटियों को भी जागृत करना होगा, और साथ ही साथ हम सबों को भी, जिस दरिंदगी के साथ वो हमारी बेटियों को मारते हैं उसी दरिंदगी के साथ हमें भी उतना खूंखार बनकर के अपनी बेटियों को बचाने के लिए आगे आना होगा। एक बंदर, एक बंदरिया से आप उसके बच्चे को खींचेंगे छीनेंगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। एक भेड़, एक कुतिया, कुत्ता, कुत्ता, कुतिया, ये कोई भी जानवर हो आप उससे भी बच्चे को खींचेंगे वो अपनी जान लगा देगा लेकिन अपने बच्चे को आपको नहीं खींचने देगा। हम हिंदू इतने बुद्धिजील हो चुके हैं कि आज हमारी बच्चियां 35 टुकड़ों में मिल रही है और हम कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ गई, उसका यही यही असर होना चाहिए। ये कायर कौम में सबसे ज़्यादा दुर्गति उसके औरतों की होती है और हम आज कायरता की बाती चढ़ा चुके हैं अपने ऊपर, इसलिए हमारी बेटियों की दुर्गति। अगर हम अपने स्वर को जागृत कर ले पुनः तो हमारी बेटियों की ये दुर्गति नहीं होगी। आज हमारे समाज में मानव तस्कर सक्रिय है, राजधानी पटना से भी छोटी छोटी बच्चियां और महिलाएं गायब हो रही हैं, थाना व्यवहार दर्ज नहीं होता है, और अगर पत्रकार होकर मैं जाता हूं किसी की मदद करने के लिए तो उल्टा उसे ही परेशान किया जाता है। ऐसे में क्या करें, पत्रकार भी क्या करें, अपने को असुरक्षित महसूस करता है। संगठन से संपर्क कीजिए जी, हम मदद करेंगे। जो बच्चियां गायब होती हैं जी उनको खोजने में मदद करेंगे जी। अगर वो भारत में होंगी तो उनको ढूंढ के निकाल लेंगे, अपने पास नेटवर्क है। अगर भारत से बाहर चली गई तो हम पता करेंगे कि कौन ले करके गया और फिर उसको भी कहीं और भेजने का व्यवस्था, भेजने की पूरी व्यवस्था हम करेंगे। जहाँ पर उससे संपर्क थोड़ा मुश्किल हो जाए ऐसे स्थान पर भेजने की व्यवस्था हम भी करेंगे। बिहार हिंदू स्वाभिमान बिहार जो है ये संगठन जो है माधव लाल कश्यप के नेतृत्व में संगठित रहे और हिंदुओं का सशक्तिकरण हो, उनके अधिकारों की रक्षा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत नेतृत्व करता हूँ। मैं अकेला नेतृत्व करता नहीं हूँ, ये एकजुट इसलिए हमारा संगठन है क्योंकि सारे नेतृत्व करता है जी। यहाँ से बिना कहे सारे कार्यकर्ता अनुशासित तरीके से जाकर गाड़ियों की व्यवस्था देख रहे हैं, बिना कोई निर्देश दिए, बिना कोई आदेश दिए, सारे कार्यकर्ता अपने मन से सब अपना संगठन समझ रहे हैं और सब अपने आप में नेतृत्व करता है। संगठन नेतृत्व करता पैदा करता है, संगठन में नेतृत्व पैदा हो रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे जैसे सारे भाई हैं, गोल्डन जी हैं, मनीष जी हैं, केशव जी, ऐसे सारे भाई हैं जो नेतृत्व आगे बढ़ करके करते हैं और समाज को रक्षा, समाज की रक्षा करने का प्रयास। आपकी मांग क्या है? ये पांच विषय अभी हमने लेकर के रोड शो का आयोजन किया है। पहली बार यूसीसी लाया जाए जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग किया जाए, आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, लव जिहाद पर सख्त केंद्रीय कानून बने, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करके उनकी हत्या पर उम्र कैद और फांसी का प्रावधान हो, मठ मंदिरों पर से 4% टैक्स को वापस करिए, और जो मस्जिदों और इमामों को सैलरी देते हैं 10,000 और 15,000 उसको वापस लीजिए क्योंकि हमारे ख्याल पे हम उनको पलने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें नेताओं की संपत्तियों को बेच के उनको सैलरी देना है तो वो लोग दे सकते हैं, अपने बाप की संपत्ति को दे सकते हैं, हमारे बाप की संपत्ति को वो अपने बाप की संपत्ति दे सकते हैं। ये अपना विषय है, इसको लेकर हम बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मिशन में कामयाब हो इसी शुभकामनाओं के साथ। मैं रंजन कुमार अमृत अमृत न्यूज पटना बिहार, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रंजन कुमार अमृत तिथि, रिपोर्टर अमृत तिथि न्यूज़, पटना बिहार, इंडिया।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।